अब बोलिए। ठीक है ना, ये क्रेजर होता है, इसकी जो चूड़ी बनी हुई है उसके माध्यम से हम लोग पत्थर पे दाता बनाते हैं। जब ये पत्थर पे दाता बना लेता है तो उसके बाद फिर हम लोग उसको कंजूर करेंगे। ये दाता कंगी कहा जाता है, ठीक है ना। ये अपना ग्राइंडर लगा हुआ है। इस कंगी का यूज कहाँ पे है? कंगी का यूज है क्रेशर के, क्रेशर को जो बाली से गेहूं को जो अलग करती है। जी जी जी, ये उसमें लगती है जी। ये ग्राइंडर होता है ना, इसके क्रेशर से उसमें ठीक है। ये इसका सरफेस ग्राइंडर है। ये क्रेशर इसमें जब फिट हो जाता है तो हम लोग जब इससे प्रेस करते हैं तो ये पत्थर पे दाता कर देता है, ठीक है। जब ये पत्थर पे दाता कर देगा तो जब हम लोग इसको रगड़ेंगे, ये देखिए इसका फिक्सर होता है, ये हम लोगों ने फिक्सर पर बांधा, इसको साइड करके बन गया 25 kg 18 kg बारह बनते थे। उसके बाद फिर हम लोग इससे ग्राइंड करते हैं, इतना उसको करना है, उसको करते आते हैं और ये ग्राइंड करते हैं, ठीक है ना। ये बन जाता है। यदि आप ट्रायल करना चाहते हैं तो मैं अभी मिस्त्री से कह रहा हूँ, चला के दिखा देंगे। बाकी आपको लैब मशीन पर आपने देख लिया हो, इंडक्शन मेथड के द्वारा हार्ड एंड टेम्परिंग करते हुए कंघी को हार्ड एंड टेम्परिंग।